अपना भारत मोर्चा के संरक्षक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल के आवास को सैनिटाइज किया। इस दृश्य को देखकर सिरसा के हुड्डा सेक्टर में रहने वाले लोग काफी हैरान नजर आए। एक तरह से सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल पर तंज कसने के इरादे से डॉक्टर अशोक तंवर ने इस तरह का काम किया। उन्होंने हाथ में पाइप लेते हुए सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 में सैनिटाइजिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के डॉक्टर अशोक तंवर को करीब 3.5 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया था। इन दिनों कोरोना काल चल रहा है और तंवर का कहना है कि सुनीता दुग्गल क्षेत्र की जनता की सुध लेने की बजाय गुमशुदा है। अशोक तंवर ने यह भी कहा कि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को जहां इस महामारी के दौर में जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सिरसा की सांसद पिछले कई समय से इलाके से गुमशुदा है। अपनी सांसद की तलाश में सिरसा के लोग जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज दुग्गल के घर को सैनिटाइज तो हमने कर दिया है, लेकिन सिरसा की जनता दुग्गल के दिमाग को सैनिटाइज करेगी, ताकि दुग्गल ने जिन लोगों से वोट लिया था उन लोगों के दुख सुख में शामिल होकर उनकी समस्याओं का समाधान करवा सके। पहली बात तो यहाँ सैनिटाइज अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं कॉलोनी में घूमता भी हूँ, सुबह शाम जाते हैं और लोगों से भी बातचीत होती है। बहुत तरह की समस्या कोरोना से संबंधित, जो वैक्सीनेशन की भी दिक्कत है, सैनिटाइज की भी है, यहाँ की थोड़ा सा कॉलोनी में गुंडागर्दी भी है, अवस्था कई तरह की फैली हुई है, और आज उसी को सैनिटाइज करते हुए यहाँ के जो सांसद हैं जिनके गुमशुदा की तलाश में लोग निकले हुए हैं, तो उनके घर को भी सैनिटाइज किया। अब दिमाग तो सैनिटाइज जनता करेगी समय पर, लेकिन उनका घर कर दिया था कि आकर के वो जिन लोगों का वोट उन्होंने लिया है उनके सुख दुख में शामिल होकर के और उनकी जो तकलीफ है उसको समझते हुए उसका निराकरण कर सके। ये तो आप पता ही है सारा, ना वैक्सीन है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं। ये सरकार तो हाथ खड़े कर चुकी है बहुत पहले, तो ऐसे में सब लोगों को मिल करके खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसमें जो सामाजिक लोग हैं वो आगे आए, यही हमारी सबसे प्रार्थना है, और लोग आगे आए भी खूब हैं। इसीलिए जो कैजुअल्टी है वो थोड़ी सी जितनी और ज़्यादा होती वो कम हो पाई है, तो मैं तो यही सभी साथियों से कहूँगा कि हर जिंदगी कीमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।